नीलपुर नाम के एक गांव में कुछ लोगों की एक छोटी सी बस्ती रहती थी। इस बस्ती के लोग बहुत ही गरीब थे। उन्हें एक वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। ऐसे हालत में वो अपने बच्चों को पढ़ने की सोच भी नहीं सकते थे। फिर भी जैसे तैसे करके अपने दिन गुजार रहे थे। उसी बस्ती में करण और अर्जुन नाम के दो दोस्त अपने परिवारों के साथ मिलकर रहते थे। करण के बेटे का नाम ढोलू, अर्जुन के बेटे का नाम भोलू था। दोनों ही बच्चे बहुत होशियार थे। ओए बोलू, जल्दी कर, आज हमें रोजी आंटी केक बनाकर देने वाले हैं। सच में? मैं भी आ रहा हूँ। उसी बस्ती के पास एक और बस्ती भी थी। उस बस्ती में सभी लोग धनवान थे। उस धनवानों की बस्ती में ही रहती थी रोजी। रोजी को छोटे बच्चे बहुत पसंद थे, लेकिन शादी के कई साल बाद भी उन्हें बच्चे नहीं होते। इसीलिए वो दूसरे छोटे बच्चों को बुलाकर कुछ ना कुछ बनाकर खिलाती थी। अरे बच्चों, तुम लोग आ गए? केक बस बनने ही वाला है, तब तक तुम अंदर जाकर खिलौनों से खेल लो। रोजी के घर के ठीक सामने ही एक और धनवान रहता है। उसका नाम मनोज है। मनोज को बच्चे तो है, लेकिन उसके बर्ताव की वजह से वो पढ़ाई के नाम पर कहीं और जाकर रहने लगते हैं। उसकी पत्नी भी बच्चों का ख्याल रखने के नाम पर उन्हीं के साथ चली जाती है। तब से वो अकेला ही रहता है, लेकिन वो रोजी को उन बच्चों के साथ देखकर काफी जलता था। इसीलिए रोजी के पास से बच्चे केक खाकर जाते वक्त, अरे बच्चों, इतने जल्दी वापस जा रहे हो? यहाँ पर आओ, मेरे पास आइसक्रीम है, खाकर जाओ। आइसक्रीम का नाम सुनते ही बच्चे मनोज के पास भागते हैं। सिर्फ तुम्हें ही नहीं रोजी, मुझे भी बच्चों को आकर्षित करना आता है। अब देखो मैं इन्हें तुमसे कैसे दूर करता हूँ। ये कहते हुए वो हर रोज रोजी से बच्चों को दूर करके खुद की तारीफ आकर्षित करने की कोशिश करता था। लेकिन रोजी की अच्छाई और सच्चे प्यार की वजह से बच्चे वहाँ जाना बंद नहीं करते। ऐसे चल रहे समय में एक दिन, इन बच्चों को जो चाहिए वो सब देने के बावजूद भी वो उस रोजी के पास जाना बंद नहीं कर रहे हैं। कुछ ना कुछ करना होगा। ये सोचते हुए एक योजना के साथ पहले डोलू के घर जाता है मनोज। मेरा नाम मनोज है। क्या चाहिए तुम्हें और यहाँ क्यों आए हो? मैं आपके बच्चे को गोद लेना चाहता हूँ, उसके बाद मेरे जायद में से आधा हिस्सा उसके नाम कर दूंगा। आप जब चाहे तब आकर उससे मिल सकते हैं। कोई रोक टोक नहीं है, मेरा कोई नहीं है, इसीलिए मैं अकेला रहता हूँ। आपका बेटा काफी होशियार है, मुझे वो बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उसे अपना बेटा बनाना चाहता हूँ। इतनी मेहनत से पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, ऐसे कैसे दे देंगे? हमें आपके पैसे नहीं चाहिए, इसीलिए हम आपके इस प्रस्ताव को टुकरा रहे हैं। चले जाओ अब यहाँ से। चह, जिस काम के लिए आया था वो तो नहीं हुआ। अब इस बोलू के घर जाऊंगा तो फिर से यही सब सुनना पड़ेगा। चुपचाप घर चला जाता हूँ। ये सोचकर वहाँ से जा रहे मनोज को अर्जुन बुलाता है। क्यों भाई, अब क्या कहने के लिए बुला रहे हो तुम मुझे? आपने डोलू के घर में कही थी वो सारी बातें मैंने सुना है। उनका बेटा नहीं आया तो क्या हुआ? आप मेरे बेटे को लेकर जाओ और अपने जायद में आधा हिस्सा उसका नाम कर दो, हमें कोई एतराज नहीं है। वो बातें सुनकर काफी खुश होता है मनोज, और साथ ही साथ जाते हुए उनके बेटे भोलू को अपने साथ अपने घर लेकर जाता है मनोज। अर्जुन, मैंने सुना है कि तूने अपने बेटे को उस बड़े आदमी के साथ देखकर भेजा है। उसकी नीयत जाने बिना तू ऐसा कैसे कर सकता है? उसके खुद के बच्चे और पत्नी उससे दूर क्यों रह रहे हैं? ये बात जाने बिना तूने ऐसा कैसा किया है मेरे भाई? हाँ,
नहीं तो फिर तुम्हारी तरह पागल बने इतने सारे पैसे छोड़ दो। इतने सारे पैसे कमाने के लिए हमें ये बस नहीं होगा, ये तुम भी जानते हो। अब जाओ यहाँ से और अपना काम करो। ये कहते हुए अर्जुन वहाँ से चला जाता है। मनोज भोलू को घर लेकर जाने के बाद भोलू को अपना राक्षसी रूप दिखाना शुरू कर देता है। ना वो भोलू को कहे जाने देता था, ना ही अपने माँ बाप से मिलने देता था। डोलू ना तो अपनी मर्जी का खाना खा सकता था, ना अपनी मर्जी से कुछ कर सकता था। वो घर उसके लिए एक जेल था। ये ऐसे चल रहे समय में रोजी वो सब देखकर अर्जुन के घर जाती है। उस मनोज का स्वभाव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेरी बात मानिए, अपने बेटे को उसके पास से वापस लेकर आइए। उसने मुझसे जलकर ये सब किया है, बच्चों के प्रति प्यार से नहीं। ऐसे रोजी और करण के कितना कहने पर भी अर्जुन और उसकी पत्नी पैसों के नशे में डूबकर कितना कहने पर भी उनकी बात नहीं सुनते। ऐसे कुछ दिन बाद बोलू की तबीयत खराब हो जाती है। ये खबर मिलते ही अर्जुन और बाकी वहाँ पर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर से सारी बात जानकर अर्जुन अपने बेटे को वापस ले जाने के लिए मांगता है, लेकिन उसने आधी जायदाद उसके नाम पर करने के बाद बच्चे को अपनी मर्जी से दे रहा है। ऐसे एक पेपर से दस्तखत करता है। मनोज उन्हें अपने बच्चे की शक्ल तक नहीं देखने देता है और बाहर भगा देता है। वो लोग रोते हुए रोजी के पास जाता है। मुझे भी छोटे बच्चों से बहुत लगाव है। आप जैसे माँ बाप सिर्फ पैसों के लालच के लिए अपने बच्चों को गोद देने नाम पर बेच देते हैं। हमसे पूछो, बच्चे ना होने पर कितनी तकलीफ होती है। ऐसे अच्छे से समझा कर रोजी अपनी पैसों की ताकत से डोलू को वापस लेकर आती है। तब से अर्जुन और उसकी पत्नी जो है उसी में खुश रहकर अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखते हैं। और अर्जुन अपने दोस्त की बात को ना मानने की वजह से जाकर उसे माफी मांगता है।